हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो अपकमिंग एपिसोड ऑफ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की पॉपुलर डेली सोप कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। देव और सोनाक्षी सीम्स लगते हैं कि अब वो फिर से प्यार में डलने वाले हैं। जी हाँ, उन दोनों के बीच में फिर से प्यार उमड़ रहा है। ईश्वरी सोनाक्षी को एक्सेप्ट कर लेती है एक खुली बाहों के साथ। जी हाँ, अब सोनाक्षी के साथ कोई शिकायत नहीं है। इवन वो सोनाक्षी को हग भी करती है। ईश्वरी अब चाहती है कि देव और सोनाक्षी फिर से एक हो जाएं अपनी बेटी सुहाना के लिए। क्या वो दोनों एक होंगे? जी हाँ, आप चाहते हैं कि इस सब के मामले में देव फिर से सोनाक्षी को प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन सोनाक्षी मना कर देती है। लेकिन अब देव चाहता है कि सोनाक्षी उसकी जिंदगी में वापस आए ही, इसलिए अब वो बनने वाला है उसका लव बॉय। और फिर से सोनाक्षी को कन्विंस करने के लिए और सोनाक्षी का प्यार जीतने के लिए, ताकि वो फिर से शादी कर पाए, अब करेगा फिर से कोशिशें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो अपकमिंग एपिसोड ऑफ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की पॉपुलर डेली सोप कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। देव और सोनाक्षी सीम्स लगते हैं कि अब वो फिर से प्यार में डलने वाले हैं। जी हाँ, उन दोनों के बीच में फिर से प्यार उमड़ रहा है। ईश्वरी सोनाक्षी को एक्सेप्ट कर लेती है एक खुली बाहों के साथ। जी हाँ, अब सोनाक्षी के साथ कोई शिकायत नहीं है। इवन वो सोनाक्षी को हग भी करती है। ईश्वरी अब चाहती है कि देव और सोनाक्षी फिर से एक हो जाएं अपनी बेटी सुहाना के लिए। क्या वो दोनों एक होंगे? जी हाँ, आप चाहते हैं कि इस सब के मामले में देव फिर से सोनाक्षी को प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन सोनाक्षी मना कर देती है। लेकिन अब देव चाहता है कि सोनाक्षी उसकी जिंदगी में वापस आए ही, इसलिए अब वो बनने वाला है उसका लव बॉय। और फिर से सोनाक्षी